डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। डियर स्टूडेंट, आज हम बताने वाले हैं आपको द आर्टिकल एक्सरसाइज कराने वाले हैं। इसके पहले हमने आर्टिकल चैप्टर जो है पूरा आपको पढ़ा दिया है। पहले आप इस एक्सरसाइज को करने से पहले आप उस आर्टिकल पार्ट वन वीडियो और पार्ट टू में वो पहले देख लीजिए, फिर आपको क्या है ये सारे क्वेश्चन हैं ऑटोमेटिक हो जाएंगे। तो हमने एक्सरसाइज जो अभी तक मैंने कराई नहीं है, आज हम कराने जा रहे हैं। देखिए, आपको एक्सरसाइज से बहुत से मतलब क्वेश्चन आते हैं आपके, जैसे सिंटॉक्स चैप्टर आता है उसमें, सिंटॉक्स इंटर में आप चैप्टर है उसका एक आर्टिकल से इरर्स जैसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हम समझेंगे आर्टिकल जैसे कोई क्वेश्चन आते हैं तो उसमें क्या इरर आती है, ठीक, ये देखेंगे हम लोग। देखिए, पहला क्वेश्चन लिख रखा है द वर्च्यू इज इट्स ऑन रिवर्ड, ठीक है। और वर्च्यू इट इज इट्स ऑन रिवर्ड, तो वर्च्यू मैंने क्या है कुछ वर्ड होते हैं जिनके पहले आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं आता, जैसे लिख रखा है वर्च्यू तो इसके पहले दा का प्रयोग नहीं होगा। इस सेंटेंस को हम लिखेंगे कैसे, ठीक है, इस सेंटेंस को लिखेंगे कैसे, सीधा सेंटेंस लिखना है वर्च्यू, ठीक, इज इट्स ऑन रिवर्ड, ये सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा आपका सेंटेंस, ये गलत है आपका, ये सही हो जाएगा। तो एग्जाम में आपको ऐसे करना है, ठीक है। लिखा है ऑन हॉनेस्टी ऑफ राम कैन बी डाउटेड, ये लिख रखा है हॉनेस्टी के पहले आपने, मैंने इसके पहले लिखा हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी होता है, तो हॉनेस्टी क्या है, हॉनेस्टी के पहले आपका दा का प्रयोग होगा, क्या होगा यहाँ पर दा का प्रयोग, तो इसके पहले क्या होता है, लिखेंगे द ऑनेस्टी, हॉनेस्टी ऑफ राम कैन नॉट बी डाउटेड, ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। आपको ऐसे क्वेश्चन करके, ना कि सीधा इसी में मतलब तुमने दा लगा दिया उसको आंसर नहीं दिया, तो क्या है आपको ऐसे लिखना है, ये है आपका, ये वाला आपका गलत आंसर है, आपका ये सही आपका माना जाएगा, ठीक, एग्जाम में ऐसे करना है। अगला लिख रहा है ताज इज एन यूनिक बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, मतलब क्या है, ताज जो बिल्डिंग है ना इस संसार में सबसे यूनिक बिल्डिंग है, ठीक है, एक यूनिक बिल्डिंग है। तो यूनिक देखो लिख रखा है, आर्टिकल होते हैं दो टाइप के, एक डिफिनिट होता है एक इनडिफिनिट होता है। देखिए हम बता देते हैं, देखो एक होता है डिफिनिट एक होता है इनडिफिनिट, एक बार फिर से आपका रिवाइज करा देते हैं देखिए भैया, ठीक। इनडिफिनिट क्या होता है, इनडिफिनिट क्या होता है, डिफिनिट क्या होता है आपका, इनडिफिनिट होता है ए एन और डिफिनिट होता है द, ठीक भैया, ये होता है, ठीक, ये होता है निश्चित, ये होता है अनिश्चित, दो टाइप के आर्टिकल होते हैं। तो इंडिपेंडेंट इसमें ए और एन, ए एन का मतलब कहाँ होता है, ए का प्रयोग होता है किसके पहले, ए ए होता है ए यूज, ए इज यूज्ड बिफोर कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट का भी मतलब मालूम होगा, कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन, तो व्यंजन मतलब हिंदी में क्या होता है, का से लेकर ज्ञा होते हैं और बी से लेकर के जेड तक होते हैं। और एन का यूज होता है किसके पहले, ए इज यूज्ड बिफोर किसके होता है, बॉबेल के पहले, ठीक। अब तुमको हम बता देते हैं, बॉबेल तो पांच होते हैं ए ई आई ओ यू, ठीक, तो इतना लिख रखा है एन यूनिक लिख रखा है, तो यूनिक लिखेंगे पहले ऐसे लिख लो। तो देखो आप जैसे ऐसे तो मतलब यू तो लग रहा है आपका मतलब मतलब स्वर लिख रहा है, लेकिन क्या है मतलब बॉबेल लग रहा है, लेकिन हिंदी में लिखा हुआ है तो व्यंजन है, तो हिंदी अंग्रेजी आपको दोनों में भैया आपको चेक करना है, ठीक है। तो यूनिक है तो यहाँ पर एन नहीं लगेगा। अगला देखिए सेंटेंसर क्या है, आयरन इज एन यूजफुल मेटल, उसी तरह देखो लिखा जाता है, यूजफुल लिख रखा है कि नहीं, आप यूजफुल भैया हिंदी में लिख लो, ऐसे लिखा जाता है ना यूजफुल, ऐसे लिखा जाता है, तो यू आया कि नहीं, या आया तो इसको या की जगह पर हम क्या करेंगे, ए यूजफुल हो जाएगा, तो सेंटेंस आपका ये पूरा हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको आयरन इज ए यूजफुल मेटल ऐसे लिखेंगे, तो सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, तो इस तरह नहीं लिखेंगे। अगला लिखा है डोंट ट्राई टू मेक फूल ऑफ मी, ये लिख रखा है मतलब लिखा है कुछ, देखो भैया फ्रेज होती हैं, क्या होती हैं फ्रेज होती हैं, जैसे क्या लिखा था मेक, लिखा जाता है मेक फूल लिख रखा है, मेक फूल नहीं होता है, इसमें लिखता है मेक ए फूल लिखा जाता है, मेक ए फूल क्या लिखा जाता है, ये होता ना कि ये,
तो ये गलत हो जाएगा। तो इसके बीच में क्या लगाओगे, ए लिखा जाता है, ठीक है। कुछ फ्रेजें होती हैं, मैंने सब कुछ इसको डिटेल में भैया पढ़ा रखा है, तो इसमें क्या है, आपको डिटेल में जाके उसको दो वीडियो पहले देख लो तो आपको पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा। अगला है सेंटेंस, ही इज एन यूरोपियन, यूरोपियन लिख रखा है तो क्या है, वह एक मतलब यूरोपियन है, तो यूरोपियन इसको हिंदी में लिख लो तो यूरोपियन ऐसे लिखा जाएगा कि नहीं बताओ, लिखा जाएगा। तो यू या आया तो या की जगह पर क्या हो जाएगा, ए आएगा, ठीक। तो यही आंसर खाली टिक करना है बस, वहाँ पर क्या करना है आपको, आंसर कैसे लिखना होगा, ई इज एन, तो ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, ही इज ए यूरोपियन, ठीक, इस तरह लिखा जाए। अगला लिखा है रिच शुड हेल्प पुअर, मतलब क्या है, रिच शुड हेल्प पुअर, रिच मीन्स होता है अमीर, ठीक है, और क्या है, मतलब शुड में चाहिए, हेल्प मीन्स, हेल्प मीन्स सहायता करना, पुअर मीन्स किसकी, गरीब की, मतलब ऐसे नहीं होगा, आप इस सेंटेंस को इस तरह, मतलब अमीरों को गरीबों को सहायता करनी चाहिए। तो भैया एक तुमको कॉन्सेप्ट बताते हैं, एक रिच मीन्स होता है अमीर, क्या होता है अमीर, अब इसमें क्या लग जाता है, द रिच लिख दोगे तो क्या लग जाएगा, अमीर लोग, क्या हो जाएगा, अमीर लोग, क्या हो जाएगा, अमीर लोग। उसी तरह हो जाता है, ऐसे पुअर हो जाता है तो क्या है, इसका गरीब होता है, ऐसे में लग जाएगा द, क्या हो जाएगा, द पुअर, क्या हो जाएगा, तो गरीब, तो क्या इसका अर्थ हो जाएगा, अमीर लोगों को, मतलब गरीब लोगों, मतलब अमीर लोगों को गरीब लोगों की सहायता करनी चाहिए, तो इसके पहले क्या हो जाएगा, तो द लगेगा, इसके पहले लिखेगा द, ठीक है, तब आपका ये आंसर सही होगा। अगला लिखा है नितिन इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, नितिन क्या है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, इसी में एन का प्रयोग हमने बताया है कि हिंदी अंग्रेजी दोनों में यूज कर लो भैया, हिंदी में भी स्वर देखे जाते हैं, अंग्रेजी में, और तुमने अंग्रेजी में देख लिया, इंग्लिश में यू आ गया तो एन लगा दिया, सही नहीं, इसको हिंदी में देखना है, यूनिवर्सिटी ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा, यह आया कि नहीं, तो यह मतलब व्यंजन है कि नहीं हिंदी में, तो यहाँ पर ए यूज करेंगे। अगला लिखा है सन राइजेज इन ईस्ट एंड सेट इन वेस्ट, तो भैया जो कुछ दिशाएं होती हैं उनके पहले क्या होता है, द का प्रयोग होता है, जैसे लिखा है सन का है पूरब में होता है ना, तो कह जाए ईस्ट पूरब है, और कहाँ अस्त होता है, पश्चिम में अस्त होता है, तो ये दिशाएं हैं कि नहीं, इसके पहले द का प्रयोग होगा, यहाँ पर लिख दो द का प्रयोग यहाँ पर होगा, ठीक। अगला लिखा है दिस इज एन यूजफुल बुक, ये वाला आंसर आपको क्या करना है, मैंने क्या है अभी आपको स्वर व्यंजन वाला रूल बताया है कि नहीं, जैसे यूनिवर्सिटी, ये यूरोपियन आपका यूजफुल, तो ये वाला आंसर दसवां वाला आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। अगली स्लाइड आपको अभी दूसरी आ रही है उसमें देखो भैया इधर, ठीक, देखो अगली स्लाइड है, देखो स्टूडेंट I do not pay the heed to his nonsensical talks, ये लिख रखा है, ठीक है भैया। देखो इसमें आपको मिलेगा pay the heed लिख रखा है, वहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे heed जो है ना इसके पहले the का प्रयोग नहीं होता है, तो ऐसे सेंटेंस को लिखेंगे I do not pay, ठीक, क्या लिखेंगे, pay, ठीक लिखेंगे आई डू नॉट पे हीड टू हिज नॉन सेंसियल सिकल टॉक्स, ठीक, ऐसे आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला लिखा है इट इज ए वर्ल्ड वेयर रिच हेट पुअर, मतलब क्या है, इट इज मतलब इस संसार, यह संसार मतलब यह वही संसार है जहाँ पे क्या है, गरीबों जो मतलब जो अमीर होते हैं किससे नफरत करते हैं, जो अमीर लोग होते हैं वो मतलब गरीब लोगों से नफरत करते हैं, तो हमने लोग वाला हमको आपको पहले ले, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा द रिच, यहाँ पर क्या हो जाएगा द पुअर हो जाएगा, ठीक भैया ऐसे होगा, ठीक है आपका, ठीक ऐसे लगा देंगे। अगला देखो लिखा है माई फ्रेंड इज एंड ग्रेट ट्रबल, ये लिख रखा है, तो यहाँ पर लिखा है मेरा जो फ्रेंड है ना किसमें है, एक बड़ी समस्या, क्या है, एक बड़ी समस्या में है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एन लिख रखा है तो एन के पहले यहाँ पर ए नहीं लगेगा, क्योंकि ग्रेट क्या है आपका, ये देखो
हमने आपको सिंगुलर उसमें कंसोनेंट और वॉवेल पहले बता दिया है। जी क्या है आपका, एक ग्रेटर बड़े एक बड़ी समस्या होती है ना। अगर लिखा है द गेम हैज कम टू एंड लिख रखा है तो एंड क्या है, अंत है, तो इसको क्या हो जाता है, कम टू एन एंड, क्या हो जाता है, कम टू एन एंड। तो ये होता है आपका एक फ्रेज होता है, एन एंड लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, एन एंड लिखा जाता है, ऐसे होता है ठीक। अगला लिखा है मोर यू गेट, लिखा है मोर यू वांट, ठीक है। मोर यू गेट, मोर मतलब हमने एक होता है भैया कंपरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग किया जाता है और सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग किया जाता है। तो मोर लिख रखा है कि नहीं, एक होता है मोर, ये भी लिख रखा है ठीक है। तो इसके पहले क्या हो जाएगा, द यहाँ पर भी हो जाएगा, यहाँ पर भी द यूज हो जाएगा ठीक है। अगला लिख रखा है ही विल टेक ए आवर, ए आवर टू फिनिश दिस वर्क, मतलब क्या लिख रखा है, हावर लिख रखा है कि नहीं, हावर मीन्स क्या होता है, घंटा। तो इसमें हावर नहीं पढ़ा जाता, इसको पढ़ते हैं आवर, क्या पढ़ते हैं, आवर, क्या पढ़ते हैं, तो आया कि नहीं, तो यहाँ पर ये बॉबेल है तो बॉबेल के पहले क्या हो जाएगा, ए को काट करके क्या हो जाएगा, एन लिख दिया जाएगा। पूरा सेंटेंस लिख दो, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। अगला लिखा है हिज फादर इज ए एम पी, तो एक फादर उसके क्या है, एक मतलब एक क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब मेंबर ऑफ पर्सन ठीक है, पार्लियामेंट तो क्या है, तो इसका मतलब क्या है, एक पार्लियामेंट के सदस्य हैं। तो मतलब ये भैया आपका इसमें देखो एमपी लिखा रखा है, इसमें लिख रहे हो देखो आपका ऐसे लिखते हो ना, एम आपका माँ ऐसे थोड़ा की लिखा, एम ऐसे लिखा जाता है, इधर देखो एम ऐसे लिखते हो ना, तो ए आया कि नहीं, तो इसको देखो बॉबेल है तो यहाँ पर ए की जगह पर क्या आ जाएगा, ये लिख करके नहीं एन लिख दिया जाएगा। बस ये लिखा ही इज एन वन आइड मैन, मतलब क्या है, वन आइड मैन एक अंधा आदमी, वह एक अंधा आदमी है, तो क्या आ जाएगा, वन लिखा है आपका, देखो वह आया कि नहीं इसमें, लेकिन इसमें आपका ओ इंग्लिश में ओ मतलब क्या है, बॉबेल है, लेकिन हिंदी में देखो कि वह आया है तो वहाँ पर क्या हिंदी अंग्रेजी दोनों में चलते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसको आप काट दोगे। अगला है फ्रेंच डिफीटेड जर्मन, फ्रेंच ने किसको डिफीट किया, जर्मन को, तो फ्रेंच क्या है, तो फ्रेंच वासी होंगे ना, तो फ्रेंच क्या हो जाएगा, द फ्रेंच हो जाएगा ठीक। यहाँ पर क्या हो जाएगा, द जर्मन हो जाएगा, बस ठीक ये हो जाएगा। अगला लिखा है गांधी जी वाज ग्रेटेस्ट मैन ऑफ हिज टाइम, तो क्या गांधी जी भैया क्या है, एक नाम है लेकिन क्या है, एक ग्रेट लीडर है ना, लेकिन वैसे अगर जैसे लिख दिया जाए यहाँ पर गांधी जी लिख रखा है, यहाँ पर जैसे गांधी जी और किसी सामान्य व्यक्ति मान लो जैसे राहुल है, राहुल तो सामान्य नाम है, इसने कोई देश के लिए काम किया नहीं, तो दा का प्रयोग अगर जैसे दा राहुल लिख दिया तो आपका भैया क्या हो जाएगा, ये आपका क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, सिर्फ राहुल लिखा। अभी क्या राहुल जैसे नाम कोई एक देश के लिए काम किया होता तो मान तो दा लग सकता, इन्होंने दा देश के लिए काम किया है तो क्या एक विशेष है ना, तो विशेष के लिए भी रूल पढ़ाया है ठीक है। और जो दो वीडियो है ना उसको आप पहले से देख लो, तब जाके एक्सरसाइज करो तो आपको इसमें मतलब क्या है आसानी से आपके लिए एक्सरसाइज बन जाएगी। देखिए फिर लिख रखा है इट इज ए बेस्ट बुक, मतलब क्या ये सबसे अच्छी किताब है, तो भैया ये क्या है सबसे अच्छी है, हमने क्या होता है आपने डिग्री पढ़ रखी है नहीं, डिग्री में क्या होता है देखो, एक होता है डिग्री, डिग्री होती है आप एडजेक्टिव का पार्ट है, इसमें होती है तीन डिग्रियाँ, एक होती है पॉजिटिव क्या होता है, एक होती है कंपरेटिव क्या होती है, कंपरेटिव ठीक, एक होती है सुपरलेटिव क्या होती है, एक होती है सुपरलेटिव। तो भैया क्या होता है जब देखो कंपरेटिव और सुपरलेटिव के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन उसके पहले का प्रयोग क्या होता है, दा का प्रयोग होता है, कंपरेटिव के पहले दा का प्रयोग होगा और सुपरलेटिव के पहले दा का प्रयोग होगा, देखते जाना। जैसे लिखा है मोर, क्या लिखा है, मोर अगर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, द का प्रयोग होगा। अगर इसमें जैसे गुड लिखा है, गुड लिखा है, गुड बेटर बेस्ट लिख रखा है, गुड गुड बेटर बेस्ट ये लिख रखा है, तो क्या हो जाएगा, बेस्ट है तो हो जाएगा द बेस्ट, क्या हो जाएगा, द बेस्ट ठीक। अगला हो जाएगा आपका हो जाता है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल होता है ठीक भैया, देखते रहना आपका, अभी आपका ये आपका क्लियर हो गया, आपका
ये होता है, देखो बेस्ट हो गया आपका, ये बेस्ट है तो सुपरलेटिव के पहले दा लगता है, अगला आ जाता है कि कंपरेटिव के पहले सर दा लगा के बताइए, तो क्या आ गया कंपरेटिव के पहले एक एग्जांपल आता है, जैसे लिखा है देखो, जैसे लिखा है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल और लिखा होता मोर ब्यूटीफुल, क्या लिखा होता है मोर ब्यूटीफुल, ये होता है, और लिखा होता है मोस्ट ब्यूटीफुल, ये होता है। तो इसमें क्या होता है कंपरेटिव के पहले दा जब मोर जैसे आएगा ना तब दा मोर लगेगा, ठीक है, अगर ऐसे ही लिखा तो नहीं लगा, द मोर मोर आएगा तब दा लगेगा और द मोस्ट हो जाएगा, ठीक है, तो कंपरेटिव सुपरलेटिव के पहले दा लगता है, तो यहाँ पर देखो ये लिखा है बेस्ट, तो यहाँ पर ए एंड नहीं लगेगा, ए एंड नहीं लगेगा, इसकी जगह पर क्या लगेगा दा का प्रयोग होगा, ठीक। अगला लिखा है द गोल्ड इज ए कॉस्टली मेटल, तो मतलब लिखा है द गोल्ड इज ए कॉस्टली मेटल, तो सबसे महंगा धातु है, ठीक है, तो गोल्ड मतलब क्या है सबसे महंगा, आपका सेंटेंस है द गोल्ड इज ए कॉस्टली मेटल, तो क्या आ जाए सोना क्या सबसे महंगा मेटल है आपका, ठीक है, तो क्या एक महंगा मेटल है तो क्या हो जाएगा, तो मतलब इसमें क्या है आपका नो एरर है, मतलब इसमें कोई भी मतलब क्या है इसमें आपको इस सेंटेंस को क्या करना है इसमें नो नहीं, तो ये सेंटेंस आपका सही लिखा हुआ है, ठीक। अगला लिखा है इंडस इज ए लॉन्ग रिवर इन द पंजाब, क्या लिख रखा है इंडस इज ए लॉन्ग रिवर इन द पंजाब, तो क्या है जो इंडस मीन्स क्या है नदी होती है और रिवर के पहले क्या लगता है दा का प्रयोग होता है, जैसे रिवर हो गया, क्या हो गया रिवर हो गया, ओशियन हो गया, आपके समुद्र हो गए, ठीक, जैसे ग्रेट पीपल हो गए, आपकी हिस्टोरिकल प्लेस जैसे रेड फोर्ट हो गया, तो इन सभी के पहले भी यह दा का प्रयोग होता है, ठीक, ये सब दा का प्रयोग होता है, तो रिवर आपकी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दा यहाँ पर लग जाएगा। देखा मुंबई इज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, तो क्या हो जाएगा मुंबई जो है ना मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया है ना, तो मुंबई क्या है इज ए मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, इसका बताइए 25 वाला सर क्या होगा आपका, ठीक, ये देखिए सर 25 में क्या होता है मुंबई इज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया लिख रखा है, तो बताओ जब आप जैसे मान लीजिएगा मैनचेस्टर ऑफ, तो क्या हो जाएगा ऑफ द इंडिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक। अगला लिखा है ही इज ए ऑनरेबल मैन लिखा है, क्या लिखा है ऑनरेबल, इसको मतलब ऑनरेबल, हॉनरेबल नहीं पढ़ते ऑनरेबल, तो उसे ऑनरेबल जो पढ़ेंगे ना ऑनरेबल, ठीक है, तो आया कि नहीं, तो इसमें आ की जगह क्या हो जाएगा एंड का प्रयोग किया जाएगा ना कि ए का। अगला लिखा यूएसए इज द रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, यूएसए का है, जब ऐसा यूएसए लिख के आता है उसके पहले का प्रयोग होता है दा का प्रयोग होता है, ठीक है, यूएसए हो गया जो शॉर्ट नेम में यूज किए जाते हैं। अगला लिखा गंगा, हमने बताया था रिवर के पहले दा का प्रयोग होता है, तो रिवर गंगा है ना, तो इसके पहले बताओ ए होगा कि दा, तो इसमें होगा भैया दा का प्रयोग ऐसे, ठीक। अगला लिखा है रिच प्रॉस्पर एंड पुअर सफर, ठीक है, तो ये देखो रिच और पुअर वाला हमने बता चुके हैं, इस कुछ आंसर को क्या करना है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगला लिखा ही इज द मेंबर ऑफ एन यूनियन, यूनियन देखो लिख रखा है, आपको क्या करना है आर्टिकल का देखना है, आर्टिकल का यूज मतलब कहाँ गलत हुआ कहाँ, तो देखो एन यूनियन है तो हमने पहले बताया था यूनियन पहले क्या है आपका ये वाला, देखिए यूनियन लिखा रखा है, तो यहाँ पर यह आया कि नहीं, तो यहाँ पर ए यूनियन कर दो, आपका आंसर राइट हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स मैं आशा करता हूँ आपको ये क्या है एक्सरसाइज के माध्यम से कुछ आपको जानकारी आपकी कुछ जानकारी आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, तो इसको क्या है आप बार बार उसको सारे सेंटेंस लिखिए, और इसको क्या है अब दो जो भी पढ़ाया जाता है आपको कंप्लीट मतलब दिया जाएगा वीडियो, और उसकी एक्सरसाइज भी कराई जाएगी, तो मेरी वीडियो को देखिए और लाइक करिए शेयर करिए, ठीक है, थैंक यू फॉर माय वाचिंग वीडियो।